हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। सो इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ एक और स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू। यहाँ पे मेरे पास दो ये फेस जेल हैं और एक ये फेस स्क्रब है। ये तीनों ही प्रोडक्ट एक ब्रांड के हैं, उसका नाम है नेचर लीफ। सबसे पहले मैं स्क्रब की बात कर लेती हूँ। स्क्रब पे यहाँ पे उसका नेम लिखा हुआ है, विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग फेस स्क्रब इन्फ्यूज्ड विद हाइलुरोनिक एसिड, रिंकल फ्री स्किन, एक्ने एंड पिंपल फ्री स्किन, रेडिएंट एंड शाइनी स्किन। 200 ग्राम इसकी क्वांटिटी मिलती है आपको। ये प्लास्टिक टब है। इसकी MRP 699, लेकिन सेलिंग प्राइस है 299 रुपीज़। ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट Amazon और Flipkart तीनों जगह पे मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं, पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नीचे मेंशन है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो आपके फेस के मॉइस्चर को मेंटेन करता है, आपके फेस को रिंकल फ्री रखता है, आपके स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। दिस स्क्रब इज एनरिच्ड विद विटामिन ई, उसकी वजह से आपके फेस को यूवी रेज से प्रोटेक्शन भी मिलता है थोड़ा बहुत। तो काफ़ी अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और ये स्क्रब मैंने कुछ डेज यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। कहते हैं या फिर बहुत मोटे मोटे उनमें ग्रेनुअल्स होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, बहुत छोटे से ग्रेनुअल्स हैं, मॉइस्चराइजिंग। और इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद मैंने ये भी देखा कि मेरी स्किन ब्राइटन अप हो गई है, जैसे कि मैंने कोई फेस पैक लगाया हो। इसके बाद बात कर लेते हैं ये दो नेचर लीफ के फेस जेल के बारे में। ये जो फेस जेल है इसका नाम है ऑरेंज स्किन लाइटनिंग जेल, मिरेकल ऑफ ऑरेंज विटामिन ई एंड सी फॉर ऑल स्किन टाइप है। इन दोनों की ही क्वांटिटी 200 ग्राम है और प्राइस सेम है 599 रुपीज़, बट सेम ये भी आपको सेलिंग प्राइस कम में ही मिलेंगे। दोनों जो है ट्रांसपेरेंट आपको प्लास्टिक टब में मिलते हैं। ये इनका ढक्कन है, ये भी प्लास्टिक का ही है। दोनों फेस जेल स्किन में इजली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नॉन स्टिकी हैं, फॉर ऑल स्किन टाइप हैं, पैराबिन फ्री हैं। दोनों के ही यहाँ पे पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ऑर्गेनिक एलोवेरा लीफ जूस जेल, विटामिन ई, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, ऑर्गेनिक एलोवेरा लीफ जूस जेल इसमें भी है, लेकिन इसमें जो एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, जो इसमें नहीं है। दोनों के थोड़े से इंग्रेडिएंट में फ़र्क है, लेकिन बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मेरी जैसे कि सेंसिटिव स्किन है, लेकिन मुझे कुछ भी इरिटेशन फील नहीं हुई। और जैसे कि जेल हम लगाते हैं कई बार तो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हैवी लगता है, इन दोनों के साथ ऐसा नहीं है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन ई एंड विटामिन सी, उससे आपके फेस को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलता है, आपके फेस के जो डार्क स्पॉट्स हैं वो थोड़े से फेड हो जाते हैं। इसके पीछे मेंशन है कि ये फेस जेल आपके ब्लैक हेड्स को ठीक करता है, रिंकल्स को ठीक करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें कुकुम्बर है, तो जैसे कि आप अपने हेयर रिमूव कर रहे हैं या फिर आपके फेस पे आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला फेस जेल यूज़ कर सकते हैं। इस पे जैसे कि मेंशन है आपको वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलता है, तो ये भी फेस जेल इस वाले फेस जेल की तरह आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। ये आप देख सकते हैं कितने ईजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, बहुत छोटे छोटे इसमें ग्रेनुअल्स हैं और वो भी बहुत कम है। तो जो बाकी इस स्क्रब का पार्ट है वो मॉइस्चराइजिंग पार्ट है। इस जेल को मैं अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करवा रही हूँ। आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसे अप्लाई करना है। बहुत सॉफ्ट लग रहा है ये मेरी स्किन पे और मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब आप फेस को स्क्रब करते हैं तो आपको बिल्कुल भी हार्श नहीं लगता, इसमें बिग ग्रेनुअल्स नहीं है, स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं लगा ये स्क्रब। करंटली मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ, इस फेस जेल को और इस स्क्रब को। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।